प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की हम शुरुआत दक्षिण भारत से करेंगे। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, खास करके केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो परसिस्ट कर रहा है तटीय तमिलनाडु पर, ट्रफ रेखा भी यहां से आ रही है केरल होते हुए। तो इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक हमें उम्मीद है कि जारी रहेंगी, यानी कि 23 और 24 तारीख तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कई इलाकों में आपने देखा होगा कि एक बार फिर केरल और तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण कर्नाटक में, जैसे कि बेंगलोर, चामराजनगर और जो मैसूर वगैरह है, इस इलाके में बारिश बढ़ी है। और उसी तरह से मदुरई, कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स, कृष्णागिरी और जो उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज हुई हैं। और उसी तरह इडुकी वगैरह और जो बाकी इलाके हैं केरल के, इस इलाके में भी बारिश बढ़ी है। अगले दो दिनों तक जारी रहेगी, उसके बाद बारिश में कमी आ जाएगी और राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। हालांकि तमिलनाडु के लिए बारिश ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में अब नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाला है तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून में थोड़ी सी देरी हो सकती है, कि 25-26 से पहले हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कोई कोई वेदर सिस्टम बन रहे हैं और जब उत्तर पूर्वी हवाएं शुरू हो जाएंगी तब मानसून आएगा। अभी तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश रहेगी, तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका का मौसम साफ बना रहेगा और रायल सीमा में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब बात शुरू करते हैं हम मध्य भारत की। तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल हमें बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, मौसम शुष्क बना रहेगा और कोई भी व्यवधान यानी कि फसल की कटाई और बुवाई में इस इलाके में दिखाई नहीं देगा। विदर्भ वगैरह में जो है यानी जो ऊपरी हवाएं आ रही थी उससे थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है। मुंबई वगैरह में भी अब एक दो दिनों तक टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर, थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन बना है। उसके बाद में जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह आगे निकल जाएंगे तो 25-26 तारीख से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी तापमान गिरने की समय संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके अंबिकापुर से लेकर के जगदलपुर तक कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां नहीं है, हालांकि नमी वाली हवाएं थोड़े से बादल बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं थोड़ी बढ़ेंगी, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और दक्षिणी राजस्थान में भी खास करके कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं, टोंक वगैरह, इन इलाकों में बारिश नहीं होगी। और अगर हम बात करें अब उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आप देखिए आ चुका है जम्मू कश्मीर पर। तो आज जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होगी, कई इलाकों में तेज बारिश और स्नोफॉल होगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है। पंजाब में आज भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है, मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। पूरे पंजाब में हमें उम्मीद है कि बारिश रहेगी, लेकिन दक्षिण और पूर्व पश्चिमी जो जिले हैं उन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। और अगर राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि चुरू, बीकानेर, इसमें बादल छा गए हैं, बारिश हल्की हो रही है। और कुछ इलाकों में गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे, उत्तरी भागों में बादल छा सकते हैं। और हरियाणा के भी कुछ भागों में हल्की बारिश होगी, एक दो मॉडरेट स्पेल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मूसलाधार बारिश अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में बादल छा सकते हैं कल और परसों, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसा वेदर एक्टिविटी संभव नहीं नजर आ रही है। एक आध जगह हल्की फुल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तराखंड में गनीमत रहेगी, बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में, खास करके जो जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं, उस इलाके में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं, केवल रह गया पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां, लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ यूपी होता हुआ इस तरह से घूमा था, वो सब हट गया है। आप देखिए ये हवाएं हैं जो अभी शुष्क आ रही हैं, तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा पूरी तरह शुष्क रहेंगे, बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, हल्के हल्के बादल छा सकते हैं। और यानी कि इस इलाके में अब कोई भी बारिश की गतिविधियां परेशान नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल के जो गंगे पश्चिम बंगाल है, डायमंड हार्बर, कोंटई, पुरुलिया, बांकुरा और जो कलकत्ता वगैरह है, 24 वगैरह, इस इलाके में भी बारिश नहीं होगी, बहुत हल्की होगी अगर हुई तो, और हल्के हल्के बादल रहेंगे।
सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो बारिश की गतिविधियां जारी थी उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। आगे भी अब धीरे धीरे वेदर एक्टिविटीज में और ज्यादा घट जाएगी, यानी कि मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। छुटपुट बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल जारी रहेंगी, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बादल बन जाते हैं और लोकलाइज वेदर एक्टिविटी होती है, और बादल के साथ साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में तेज बारिश हो सकती है और बाकी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। मध्य भारत और पूर्वी भारत पूरी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना है। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।